तो काफी ब्यूटीफुल कलर है, आप देखें, बेहतरीन शानदार। तो ये आप देखें काफी फुर्ती से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि थोड़े से, और उसके बाद में ये दूंगा गिफ्ट एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी ना किसी बर्ड लवर भाई को दे दूंगा। यहाँ मैं आपको लेकर आ चुका हूँ, ये है हमारा बर्ड का बड़ा मास्टर केजेस। तो डोर खुल चुका है, अंदर कौन है देखते हैं। गणेश जी क्या आप पूरे दिन यही रहते हो? मैं रात को यही सोता हूँ, अपने रूम पे नहीं। रात को यही सोते हो क्या? कहाँ है आपका कोई बेड वगैरह दिखाई नहीं दे रहा है? बेड मैं रात को लेके आता हूँ। रात को बाहर से लेके आते हो क्या? तो गणेश जी फाइनली हमने 12 कॉकटेल बर्ड को वहां पर रिलीज किया है, और इसमें कितने हैं? इसमें लगभग 6 पीस है ना, और इसमें एक पीस है, तो इनका क्या करने वाले हो आप? इनको 1x1 पिंजरों में लगाएंगे। इनको 1x1 पिंजरों में लगाकर इनसे ब्रीडिंग लोगे क्या? और यहाँ इस मेल को अलग क्यों किया है? काफी फाइटिंग कर रहा था, एग्रेसिव हो गया था क्या? और अब हमारे व्यूवर्स को इंतजार है इन रेनबो बजीज को मटकिया देने का, तो क्या प्लानिंग है, क्या आप मटकिया लेने जा रहे हो? हो सकता है कि मैं थोड़ी देर में जाऊं मटकियां लेने के। हो सकता है, नहीं आप जाओगे, क्योंकि हमारे व्यूवर्स काफी ज्यादा इंतजार कर रहे हैं इन रेनबो बजीज को मटकियां देने के लिए, क्योंकि आप देखें ये कंडीशन है इन पेयर की, ये पूरे एकदम रेडी टू ब्रीड है। दोस्तों आप भी देखें और आप गणेश जी को समझाएं कि ये रेडी टू ब्रीड है, लेकिन ये मटकियां लेने नहीं जा रहे हैं। और वहां भी आप देखें, वहां पर भी पेयरिंग सेलेक्ट है, मतलब तो काफी सारे पेयर जो है वो लग चुके हैं रेनबो बजीज के। तो आप समझाएं गणेश जी को कि भाई आप मटकियां लेने जाए। दोस्तों नमस्कार, मैं मोहित पारिक और आप देख रहे हैं बर्ड्स विथ मोहित यूट्यूब चैनल। और साथ ही हमारे पास है हमारी घर की ब्रीड के कुछ बजीज पैरेट जो कि लगभग एडल्ट हो चुके हैं, जिनकी एज है लगभग 5 मंथ के आसपास। इसमें 3-4 पीस थोड़े से बड़े भी हैं, हम घर के लिए रखेंगे, आगे इनसे ब्रीडिंग लेने की कोशिश की जाएगी। तो काफी ब्यूटीफुल कलर है, आप देखें, बेहतरीन शानदार। व्हाइट कलर इसमें ज्यादा है, एक पीस ग्रीन कलर भी है। लास्ट टाइम आप जानते हैं हमने ग्रीन कलर सभी हटा दिए थे। तो ये आप देखें व्हाइट कलर की खूबसूरती, लाजवाब, ब्यूटीफुल। आपको ये कलर कैसे लगे वो आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो इन बजीज पैरेट को यहाँ पर इस सेटअप में शिफ्ट किया जाएगा, मतलब कि फिंच बर्ड के ठीक पास का सेटअप है ये। और डोर को खोलते हैं, तो ये आप देखें काफी फुर्ती से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि ये थोड़े से भूखे भी हैं। इन्हें हमने कुछ समय स्टर्लिंग केज में रखा था, तो अब खाने के लिए इनको अच्छा सीड मिक्स दिया जाएगा, ताजा पानी दिया जाएगा। चलो भैया जाओ 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 अंदर चले जाओ। तो फाइनली एक फीमेल रह चुकी है जो कि अंदर नहीं जा रही। जाओ, जाओ। क्या ये इसके अंदर नहीं जाना चाहती? जाओ जाओ ये आप देखें बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, फिर से अंदर आ रही है। चलो कोई बात नहीं, इसको हम हाथों से पकड़ के, ओ ओ नहीं नहीं नो 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 नो। दोस्तों बजीज पैरेट की फीमेलें भी काफी अच्छी तरीके से काट लेती है, तो इनको हमने यहाँ रिलीज कर दिया है, मतलब कि फिंच बर्ड के पास में। बीमार बजीज पैरेट भी मेरे हाथ में है जो कि मेरे सेटअप की नहीं है। ये है कुलवंत सिंह जी के बजीज पैरेट जो मैं लास्ट टाइम गिफ्ट दिया था उन्होंने मुझे, उसमें से कुछ बर्ड मुझे बीमार लगे तो इन्हें मैंने किसी को भी नहीं दिया। बाकी के जो बजीज पैरेट हैं वो मैंने कुछ साथी दोस्तों को दे दिए जो कि अपना घर का सेटअप बनाना चाहते हैं। उनकी डिमांड थी कि कुलवंत सिंह जी के बर्ड हमें दिए जाए, तो इतने बजरी तोते मैंने रखे हैं क्योंकि ये थोड़े से मुझे बीमार लगे, ज्यादा बीमार नहीं है। और मेरी एक आदत है मैं कभी भी बीमार बर्ड्स किसी भी नए बर्ड्स लवर को नहीं देता, क्योंकि मैं जानता हूँ इन्हें मैं तैयार कर दूंगा 4 से 5 दिन में ही, लेकिन शायद अगर कोई नया बर्ड्स लवर है तो वो इन्हें तैयार नहीं कर पाएगा या काफी मुश्किल से आएगी। तो ऐसा सोच के मैं रख लेता हूँ कुछ बर्ड को। तो इनका ट्रीटमेंट चल रहा है, पहले से काफी सुधार है और काफी एक्टिव हो चुके हैं ये। 4 से 5 दिन में, 10 दिन में
ये एकदम फिट हो जाएंगे, हमें ऐसा नहीं लगेगा कि ये कभी बीमार थे भी, क्योंकि इनकी हेल्थ वगैरह ऐसी हो जाएगी। और उसके बाद में ये दूंगा गिफ्ट एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी ना किसी बर्ड लवर भाई को दे दूंगा, और इनको मैं सेल नहीं करूंगा, ये मैं एकदम फ्री देने वाला हूँ। तो किसे दूंगा वो भी मैं आप सभी को बताऊंगा। हाय गणेश जी। हाय। क्या कर रहे हो आप? बस रिलीज कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हो बर्ड को रिलीज? सुस्त है बर्ड थोड़े। ये बर्ड थोड़े सुस्त है क्या? इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। ट्रीटमेंट में क्या कर रहे हो आप इनके? एंड्रोस्टोक 10% दे रहा हूँ। किस तरीके से दे रहे हो? पहले लिवर टोनिक का 3 दिन का कोर्स रहा है मैंने। हाँ हाँ। 3 दिन का इनके एंड्रोस्टोक 10% का कोर्स होगा। जी जी।